सप्तश्री ज्ञानपीठ हिन्दी विभागको आयोजनामा 144 औं प्रेमचन्द जयन्ती विविध कार्यक्रमको साथ स्कुलको प्रेक्षागृहमा सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th mile मस्काउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नै इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. कार्यक्रममा सेन्ट्रल ब्याङ्क कालेबुङका शाखा प्रबन्धक निखिल रञ्जन मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने कालेबुङका व्यवसायी उमेश अग्रवाल विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै अन्य अतिथिहरूमा निर्देशक तपन कुमार प्रधान, प्रधान अध्यापक स्मृति प्रधान, मेरिन गुरुङ, प्रशासिका सुब्रत थामी, प्रशासक अविनाश छेत्री, काइजल छेत्री, शिक्षक हुमा प्रधान, वीरेन्द्र तिवारी, सरिता भुजेल लगायत अन्य अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। अतिथिहरूको बाहुलीबाट प्रेमचन्दको तस्बिर अघि दीप प्रज्वलन गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। यसैबीच प्रेमचन्दको अमृत वचन विद्यार्थी अङ्किता शाह अनि आर्यन कुमार दासले वाचन गरेका थिए भने 10 औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूले ज्ञानवर्धक लघु नाटक प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रम अवधि स्वर्गीय अजय अग्रवाल स्मृति पुरस्कार हिन्दी सम्मानले विद्यार्थी खुशी छेत्रीलाई सम्मानित गरिएको थियो। हिन्दीको विकासको निम्ति विद्यालयद्वारा निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रम बीच प्रत्येक श्रेणीको पहिलो, दोस्रो अनि तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट पुरस्कार वितरण गरिएको छ। विद्यार्थी निशा शाहले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा निर्देशक तपन कुमार प्रधानको बाहुलीबाट अतिथिहरूलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई रोचक बनाउन सामूहिक नृत्य लगायत वार्ता प्रस्तुत गरिएको थियो भने मुख्य अतिथि अनि निर्देशक तपन कुमार प्रधानले सम्बोधन राख्दै भाषाको विकासको निम्ति प्रेमचन्दको देन महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। Literally, one of the most popular figure, Premchand, Munshi Premchand. Though we have many, many literary figures in our Hindi literature, but why we are celebrating?
agenda in our school. The main reason is Premchand is the person who entirely changed Hindi literature. His writing, it goes right up to Dalit, Kisan, and all spheres of life he has touched in his writing. For that reason, he is the most popular literary figure in Hindi literature. He is the one who promoted Hindi among the poorest of the poorest. Before that, there were colloquial language only. We call it Maithili. विद्यालयले विद्यार्थीहरूको क्षमता विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको शिक्षक तथा कार्यक्रमका संयोजक मुकेश ठाकुरले बताएका छन्। नमस्कार, म मुकेश कुमार ठाकुर, हिन्दी शिक्षक, सप्तशी ज्ञानपीठ कालिम्पोङ। हमारे विद्यालय में 2012 से प्रेमचंद जयंती का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हम लोग विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और उसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग आज के दिन सम्मानित करते हैं। इस प्रतियोगिता के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो द्वितीय भाषा ग्रुप में, सेकेंड लैंग्वेज ग्रुप में हिंदी पढ़ते हैं, उनका हिंदी के प्रति रुझान पैदा हो, हिंदी के प्रति उनका विकास हो और साथ ही साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो मुख्यधारा से भी जुड़े। साथ ही साथ हमारे विद्यालय में जो ISC में सबसे अधिक अंक लाते हैं खास करके हिंदी में, उन्हें भी हम एक सम्मान देते हैं जिस सम्मान का नाम है स्वर्गीय अजय अग्रवाल स्मृति पुरस्कार। जो सम्मान हमारे डॉक्टर महेश अग्रवाल जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं उनके सौजन्य से दिया जाता है, तो इस बार खुशी छेत्री को वह सम्मान मिला है स्वर्गीय अजय अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, क्योंकि खुशी छेत्री ने ISC में हिंदी में 92% अंक लाई है और बाकी जो निबंध प्रतियोगिता में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए उन सबों को भी आज सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया है। और यह आयोजन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है हिंदी के प्रति जो अहिंदी भाषी द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाते हैं उनका हिंदी में रुझान पैदा हो, हिंदी के प्रति उनका लगाव हो और साथ ही साथ वह हिंदी को सीखें, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से हम जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नो डाउट अंग्रेजी हमारी संपर्क की भाषा है, जब हम आगे की पढ़ाई के लिए जाएंगे तो अंग्रेजी तो चाहिए ही, लेकिन हम जब कालिम्पोंग से बाहर जाते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति रुझान, हिंदी के प्रति एक जिज्ञासा और हिंदी के प्रति लगाव पैदा करने के लिए प्रेमचंद जयंती का आयोजन करते हैं, साथ ही साथ प्रेमचंद के साहित्य से भी हमारे विद्यार्थी अवगत हो, यह भी हमारा उद्देश्य है।